कर रहा है इस तरफ लेफ्ट लेफ्ट में आगे की तरफ लेफ्ट में रिचार्ज भाई हट जाओ थोड़ा गौरव इधर आके नहीं आना अरे विकास जी पूरा फ्रेम में चमक रहा है भाई बस बस बैठ जाइए बैठ ए भाई विचल पंडित जी आपको बैठना पड़ेगा पंडित जी नहीं देखो अरे रिपब्लिक सर आरती आरती तो ताड़ गया सर सर आरती तो ताड़ गया ना गोविंद सर हाथ उठा भाई हाथ मत डाल रहे आरती से ताड़ गया ना आरती से ताड़ अरे भाई कौन दे सर हाँ नाइस कितना पीछे जाओ यार नहीं आ रहे फ्रेंड में सर थोड़ा घुमा दे सर फिर वो थोड़ा हाँ यस अरे नीचे ये फ्लैश नीचे ले अरे फ्लैश पूरा काम खराब कर रहा है अरे मोबाइल थैंक यू सर थैंक यू ये फोन मत थैंक यू अरे फ्लैश काय करतोय गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती अरे वो तो तुषार बनी नहीं रहा भाई गणपति के साथ मुर्गा नहीं मुर्गी सभी से बहुत बहुत गणेश उत्सव की शुभकामनाएं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओं विश्वानि देव सवित दुरितानि प्रासवयत् भद्रं तन्नासु त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमे वन्दनां मृत्युर्मोक्षे मामृतात् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते काल हर दुःख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर 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 महादेव थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हैप्पी गणेश चतुर्थी बहुत बहुत शुभकामनाएं हाय सुमित हैप्पी गणेश चतुर्थी बड़ा ही मनोरम और मनमोहक
मनोहारी सूरत लग रही है आपकी, बड़ी प्रसन्नता लग रही है आपके चेहरे जी। है थैंक यू सो मच। तेजस्विनी तेज का कोई विशेष कारण? योग प्रणायाम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदैव कहा करता हूँ योग प्राणायाम करते रहिए। और किसका वजह? मस्त रहा करें और हर हाल में। इसकी वजह? अरे बहुत डिटेल में घुस रहा है। नहीं नहीं, बजा नहीं। उन्होंने बोला किसका फोन बजा। किसका पता नहीं, आजकल तो किस किस की बजती रहती है। सही सलामत। हाँ हम सही सही। जीवन में कहीं नई सोच, कोई नए विचार जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नई सोच और नया विचार, बहुत अच्छा लगा। मैं जो शुरू में जो पढ़ा वो वही नई सोच और नया विचार है। और मेरा ये सोचना है कि जो हंसते रहें, मस्त रहा करें, व्यस्त रहें, और हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में ऊपर वाले ने दी है उसका सदैव धन्यवाद देते रहें, शुक्रिया अदा करते रहें। और गणेश उत्सव के आज के इस बहुत ही शुभ कृपा के देवता, रिद्धि सिद्धि के देवता, प्रथम पूजन के देवता, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने जो घर परिवार में आपके जो माता पिता हैं, आप ये समझें कि प्रथम पूजन के ये कारक हो गए। वजह यह है कि वो माता पिता का जो सम्मान किया वो सदैव आप लोग जो है माँ बाप का आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। आप मुझे पूछ रहे थे कि क्या कारण है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माता माता ही वो सर्वत्र मातृदेव भव, जो माँ बाप का आशीर्वाद है, जो कृपा है, उसी वजह से जो है सर एक अच्छे रहते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग पंडाल दर पंडाल जाते हैं, पंडाल हॉपिंग करते हैं, ना आप सर के साथ जाते हैं पंडाल हॉपिंग करते हैं क्या आप आज भी? हालांकि पहले किया होगा। यहाँ घर परिवार में पूजा हो रही होती है तो फिर इधर उधर शायद ही, और कहीं खास ऐसी जगह हो जहाँ पे किसी ने कहा हो कि आप आइए तो हम लोग फ्री। हाँ वो पर इंटरव्यू का हिस्सा कैसे हो सकती है उसका, उस पर अभी चर्चा तो नहीं हो। जी सुनीता जी से पूछा जाता है, पहले उन्हें पूछा जाता है कि क्या किया जाए, जो सही लगा करता है वो वही किया करते हैं। और ख़ास तौर पे आज का ये जो जो तारीख है और इस तारीख पे ये जो नौवा महीना है, ये बहुत ही कृपा का समय है। और वही प्रार्थना की है, और वो शुरू में ही मैं कह दिया कि वो जो प्रार्थना की है वो तो उस पर बहुत ज़्यादा विशेष अभी चर्चा नहीं होगी। आप लोग कृपया आए हैं, प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ बहुत साल, मम्मी की तरफ से ये घर परिवार में ये जो शुरू हुआ था पूजा, और वहीं से है। और ख़ास वजह ये थॉट ही यही था कि जो माँ बाप की सेवा करते हैं और किसी न किसी रूप से आप समाज के साथ जुड़े रहें, जो चाहे जो जाति के हों, चाहे जो समाज के जो हिस्से से हों, वो आपके साथ दुआओं के या पूजा के किसी न किसी माध्यम से साथ में जुड़े रहे, तो ये बहुत अच्छा एक प्रयोजन है और शुभ है। अभी उस पर चर्चा नहीं होगी। भैया आप कुछ अपने बेटे को विश करना चाहेंगे या क्योंकि वो आपके डेफिनेटली वो आपके पद चिन्हों पर चलेंगे? आप अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं सोच रहे। थैंक यू सो मच आप लोग। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।
आया मैं उनके साथ।